गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू वन मोर फ्रेश एपिसोड, वन मोर फ्रेश वीडियो। कैसे हो आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम आज कोई बाइक रिव्यू नहीं करने वाले। आज वसंत पंचमी है, आप सभी लोगों को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो बना रहा हूँ मैं, आप लोगों को अपडेट देना था कि बहुत जल्दी राइड प्लान हो रही है। बहुत लोग बोल रहे थे कि यार अभिनव भाई आप वापस से राइड करो, तो वापस से राइड मैंने बंद की नहीं थी। मैं भी हाल ही में कश्मीर होकर के आया, एक महीने पहले मैं कश्मीर में था, लेकिन यार सारा का सारा फुटेज जो था कश्मीर सीरीज का, वो हार्ड डिस्क वो पूरा का पूरा क्रैश करी है, इसके कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। नहीं तो वीडियोज़ अभी तक बहुत सारे आगे होते, काफ़ी अच्छे अच्छे मेमोरीज हमने रिकॉर्ड किए थे। लेकिन होता है कभी कभी, किस्मत जब ख़राब रहती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अभी मैं नहा वहा के बिल्कुल रेडी हूँ, घर के अंदर लेके चलते हैं। वसंत पंचमी है आज, काफ़ी बढ़िया बढ़िया खाना बन रहा है, देखते हैं मम्मी खाने में आज क्या बना रही है। तो आज घर में खाने में स्पेशल बन रहा है दल पूड़ी, दल वाला आलू पूड़ी और यहाँ पर पुआ छन रहा है। ये पुआ का बैटर है, इसमें क्या किया, काजू किशमिश डाले, केला वाला, सब चीज़ डाला हुआ है। ये मेरा फेवरेट है, आपको नहीं पता तो ये मेरा फेवरेट, होली में जब भी बनता है बहुत खाता हूँ मैं इसको। ये आलू वाला रोटी बन रहा है छना हुआ, सॉरी आलू वाला पूड़ी बन रहा है छना हुआ। और कुछ बनाया है क्या? कौन सी सब्जी? और ये आलू दम की सब्जी। तो फटाक से ना खाना खाते हैं, तब तक आप भी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार हम सोचे थे कि प्लेटिना लेकर के जाएंगे, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई और फरवरी के महीने में बारिश हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जिंदाबाद। तो अब क्या करें, तो भाई कार लेकर के जाएंगे। आपको नहीं पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हमने एक कार खरीदी है। जब मैं जॉब करता था ना, तो कुछ पैसे सेव करके मैंने सेकेंड हैंड एक ऑल्टो ली थी सीखने के लिए। तो 6-7 महीना हो गया मुझे कार लिया हुआ, अभी तक मैंने कार आप लोगों को दिखाया नहीं है। इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ आपको कार भी दिखा दूँ अपनी। तो देख लो यार, ये है मेरी कार, इसको मैंने लिया था रांची से, JS01 इसका नंबर है। मेरे नाम पर ट्रांसफ़र हो गई है, तो इसको लेकर के चलेंगे अभी हम शोरूम, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है भयंकर वाली। कार भी ना काफ़ी टाइम से बंद थी, लगभग मेरे ख्याल से 10-15 दिन से गाड़ी ऐसे ही खड़ा थी। तो देखते हैं इसका बैटरी जिंदा है कि नहीं है। बैटरी तो जिंदा है, कोल्ड स्टार्ट हो गई गाड़ी। बारिश मूसलाधार हो रही है, विश्वास नहीं था कि इतनी बारिश हो जाएगी। तो चलते हैं, पहले बंटी भैया को पिकअप करते हैं। बंटी भैया आ रहा हूँ मैं, तो बंटी भैया को पिकअप करना है, मेरा फ्रेंड है शुभम उसको पिकअप करना है, और फिर उसके बाद चलेंगे शोरूम की तरफ। ये पहली बार मैं कार में व्लॉग कर रहा हूँ यार, आप लोगों के बीच पहली बार ऐसा है कि आपका भाई जो है बाइक से व्लॉग करते करते कार में व्लॉग करने लगा। देखो भाई, ये हमारे घर के बाहर की रोड की कंडीशन है, मतलब जब से मैं आया हूँ ना, मेरे ख्याल से मुझे 8-10 साल के आसपास हो गए इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए, और आज तक ये रोड नहीं बना है। तो देख रहे हो आप विधायक जी, बना दो रोड यार प्लीज़, पूरे शहर के रोड बन जाता है। लेकिन हमारे ये इधर सेंट जेवियर्स हिंदी स्कूल है, इधर सेंट इग्नेशियस हॉस्टल है, इतना अच्छा लोकेशन है यार, और इधर गैस गोदाम का रास्ता है, लेकिन आप रोड नहीं बनाते हो। पता इतना बढ़िया हमारा काली जी का मंदिर है यहाँ पे, लेकिन ये रोड नहीं बनाते हो आप, रोड बनाओ यार। विधायक जी प्लीज़, हम आपको वोट देते हैं, रोड बना दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, अगली बार भी वोट देंगे लेकिन रोड बना दीजिए। तो ये जो पापा को जल्दी से बोलो, अभिनव अंकल आए हैं, जाओ। हाँ बोलो, अभिनव अंकल आए हैं, बाय। हाँ तो अभी हम लोग निकल रहे हैं एक फ्रेंड को लेने के लिए, जिसका नाम है जुम्मा, हम लोग प्यार से जुम्मा बुलाते हैं, लेकिन उसका नाम है क्या अभिनव? शुभम। कितना टाइम के बाद बारिश देखने को मिला, और अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, इसका मतलब क्या, पहाड़ों पे बर्फ गिर रही है, अभी आएगा मजा। तो सस्पेंस है, संभाल के रखिए, आने वाले दिनों में कुछ दिन में पता चल जाएगा कि क्या सस्पेंस है। आपको मैंने बताया था ना कि राइड प्लान हो रही है, हो रही है, बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ मैं, वैसे बहुत लोगों को पता है जो इंस्टाग्राम करते हैं, तो आप भी फॉलो कर लो। बाकी ये रहा सेंट जेवियर्स स्कूल साहिबगंज, जहाँ से मैंने और बंटी भैया दोनों ने पढ़ाई की थी। बंटी भैया मेरे से सीनियर थे, मैं काफ़ी ज़्यादा जूनियर था। एक सेकंड, रोड पे कंसंट्रेट। बैठो जल्दी बैठो। पहले नाम बताओ। उपेंद्र जोगी।
माय नेम इज शुभम कुमार सिंह एंड आई एम फ्रॉम साइगोन झारखंड। और ये क्या खा रहे हैं हम लोग? बैगन प्रसादी। गाइस हम पहुंच गए हीरो शोरूम, गाड़ी हमने पीछे लगा दिया है। और गाड़ी कैसी है? कंफर्टेबल है ना गाड़ी मेरी? एकदम BMW वाली फीलिंग है ना गाड़ी के अंदर बैठ करके। एकदम ऑडी मर्सिडीज टेस्ला फेल है। टेस्ला एस सीरीज भी होता है मुझे आज मालूम चला। तो देखो मैं पहुंच चुका हूँ कंट्रीज ऑटोमोबाइल्स यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी हीरो की बाइक्स लगी हुई है। तो गाइस अंदर घुसते सबसे पहले यहाँ पे ना बाइक लगी हुई है हीरो एक्सट्रीम 160R, जो कि नियॉन कलर में आ रही है। नियॉन फिनिश इस बाइक में दिया गया और काफ़ी सेक्सी सा लुक इस बाइक का दिया गया है। और मैं आपको बता दूं ना, वन ऑफ द फास्टेस्ट 160 सेगमेंट है ये, मतलब 160 सेगमेंट सबसे फास्टेस्ट बाइक है ये। और इसका कलर मुझे काफ़ी पसंद आया। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कलर इसका अच्छा है कि नहीं। कलर काफ़ी तगड़ा है, मस्कुलर सा लुक दिया गया इस बाइक में। लेकिन इस बाइक के बारे में हम बात नहीं करने वाले, हम जिस बाइक को यहाँ पे रिवील करने के लिए आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वो बाइक यहाँ पे लगी हुई है। कौन सी बाइक है? मंडी भैया तो हमारे साथ है यहाँ पे प्रेम जी, जो कि हीरो शोरूम के मैनेजर है। थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए यहाँ पे, और पूरा का पूरा हीरो टीम का स्टाफ यहाँ पे है। गाइज आप लोग एक बार हेलो बोल दीजिए। हाय हाय। तो अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इन लोगों के थ्रू। आप आकर के इनसे मिल सकते हो। हमारे प्रेम जी है यहाँ पे, और मेरे साथ मेरे कुछ टीम्स आए हुए हैं, हमारे टीम मेंबर्स, हमारे पहले वीडियो के कैमरामैन शुभम सॉरी भाई एंड बंटी भैया। हाय कुंवरजीत, वेलकम टू अभिनव ब्लॉग। पहली बार आ रहे हैं तुम? ओके तो YouTube के लिए और Instagram के लिए अलग अलग कंटेंट शूट हो रहा है। तो सबसे पहले ना सस्पेंस तो बन चुका है, कौन सी बाइक है, पर्दा हटाने वाला है हम थोड़ी देर में। तो गाइज ये थी बाइक जो मैं रिवील करने आया था, द ऑल न्यू हार्ले डेविडसन X440। और तो क्या ही बाइक बनाई है हार्ले डेविडसन ने हीरो के कोलैबोरेशन के साथ। सो दिस बाइक इज़ द कोलैबोरेशन बिटवीन हीरो एंड हार्ले डेविडसन। और इसका ना सबसे बड़ी बात है, सारा का सारा जो क्वालिटी कंट्रोल है वो हार्ले ने किया है। मतलब हीरो ने पूरा इंजन पे काम किया, सारे बॉडीज पे काम किया, बट जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो इसका पावर है, जो इसका टॉर्क है, जो इसका लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, और जो इसका एग्जॉस्ट साउंड है, वो सारा का सारा हार्ले ने कंट्रोल किया। तो हार्ले की ये पहली ऐसी बाइक है जो कि सिंगल सिलेंडर में आती है, और हार्ले की ये पहली ऐसी बाइक है जो कि अफोर्डेबल सेगमेंट में है। तो आपको पता है अगर आपको ये बाइक चाहिए तो आपको कहाँ आना होगा? आपको आना होगा साहिबगंज हीरो अंतरी शोरूम में। तो यहाँ पे ये बाइक फिलहाल अभी अवेलेबल है, आप आकर के प्री बुकिंग भी कर सकते हो। और बाकी डिटेल्स के लिए मैं आपको नीचे नंबर डाल दूंगा। के रिवील होने की खुशी में ना हमारा दोस्त यहाँ पे केक दबा रहा है। मैंने पहले ही खा लिया। मैंने हमसे मैंने पे हाँ तो कुंवरजीत यहाँ पे आया हुआ है, और काफ़ी हेल्प किया बंटी भैया ने, कुंवरजीत ने और शुभम ने सिनेमेटिक्स के लिए। यार अकेले पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, और ऑल थैंक्स टू प्रेम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे बहुत पुराने व्यूअर हैं, यहाँ साहिबगंज हीरो के ये मैनेजर भी है। और कब से आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं एक बार बता दो आप? अभी स्टार्टिंग से, जब से आप बना रहे तब से मैं देख रहा हूँ। आपका फर्स्ट वीडियो जो आपने छत पे खड़ा होकर बनाया था वो भी मैंने देखा। आप जहाँ जहाँ राइड पे जाते हैं, मैं और मेरा बेटा जो है वो 6 साल का, वो तो आपका मैंने ज़बरदस्त वाला फ़ैन है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अभी पिछला एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ, जब मैं कश्मीर जा रहा था तो वहाँ पे अचानक से मुझे मालूम चला कि पेट्रोल का स्ट्राइक हो रखा है अभी कश्मीर राइड पे। और आप विश्वास नहीं करोगे, हम पेट्रोल पंप के अंदर गए हैं और वहाँ का मैनेजर मेरा सब्सक्राइबर निकला है और उनको पेट्रोल मिला है, बाकी किसी को पेट्रोल नहीं मिला वहाँ पे। तो ये काफ़ी, तो यही चीज़ हमने कमाई यूट्यूब से, हमने लोगों का प्यार कमाया है, हमें लोगों का भरोसा कमाया है। तो एक राइड पे आप गए थे, जो रो रहे थे ना, तो आप रो रहे थे, आज तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश का वांग। मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन बहुत जल्दी जो हमने बताया था ना कि नई राइड आ रही है, तो वो वैसी ही कुछ धमाकेदार वाली राइड होने वाली है हमारे चैनल पे। खत्म करते हैं, आपने केक खाया? तो भाई साहब ये रहा हमारा केक, हार्ले डेविडसन का केक।